नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। पंजाब कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान पर उंगली उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। शनिवार को शशि थरूर ने कहा कि पार्टी को नया नेतृत्व चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो ये भी जल्द हो जाना चाहिए। पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए बदलाव बेहद जरूरी है। तिरुवनंतपुरम से तीन बार के लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वो खुद कह रही हैं कि वो पद छोड़ना चाहती हैं, इसलिए एक नए नेतृत्व को जल्द से जल्द पद संभाल लेना चाहिए। शशि थरूर ने मीडिया से कहा, अगर राहुल गांधी पदभार संभालना चाहते हैं तो ये बहुत जल्द होना चाहिए। गौरतलब है कि शशि थरूर का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पंजाब कांग्रेस में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि शशि थरूर कांग्रेस के उन 23 असंतुष्ट नेताओं में शामिल थे जो पार्टी के नए नेतृत्व की मांग करता रहा है। पिछले साल G23 के नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में व्यापक बदलाव की मांग की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।